सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे ना मेरा एक प्रूफ देख लो। यहाँ पे ना मैंने अभी अकाउंट अपना न्यू क्रिएट किया है, यानी कि अभी मेरे को क्रिएट किए 2 से 3 दिन ही हुए हैं। और यहाँ पे आप इसके रील के व्यूज़ देख सकते हो, सारी की सारी रील में 1000 से ऊपर व्यूज़ जा रहे हैं। जहाँ पे मैं रोज़ाना जो टू रील होती है वो उनको अपलोड करता हूँ, और रील के व्यूज़ इजीली आप देख सकते हो 1000 से ऊपर जा रहे हैं हर रील में, ठीक है। और यहाँ पे ना आज मैं इस अकाउंट पे आपको एक रील अपलोड करके भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने रील का अपलोड करने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया है। तो मैं दोस्तों आप देख सकते हो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट यानी कि जो मेरा न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट है मैं उस पर आ चुका हूँ, और यहाँ पे ना आपको रील अपलोड करके दिखाने वाला हूँ, और आपको ना यहाँ पे जो लाइव प्रूफ है वो दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे जो मेरे ऑर्गेनिक व्यूज़ है वो कैसे आते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखना। तो मैं रील वाले ऑप्शन में आकर के अपने रील को यहाँ पे सेलेक्ट कर चुका हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों जो मेरी रील है यहाँ पे वो देख सकते हो, तो वो सेलेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पे ना जो रील है मेरी ये कावासाकी निंजा H2R की है, क्योंकि मेरा जो पेज है ना न्यू अकाउंट का जो पेज है वो मेरा टॉप बाइक मॉडल से रिलेटेड है, जिसपे मैं बाइक की जो रील्स वगैरह होती है या फिर कोई फोटो होती है तो उनको पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यूट्यूब से अपलोड की थी। अब आप ना यहाँ पे ये कहोगे कि यार भाई आप मना करते हो कि भाई यूट्यूब से कोई भी रील वगैरह फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई शॉर्ट वीडियो उठा करके इंस्टाग्राम पे नहीं डाला करते। हाँ मैं मना करता हूँ, मैं उस चीज़ के लिए मना करता हूँ कि आप उसमें अगर एडिटिंग नहीं करते हो जरा से भी, मान लीजिए आप बिल्कुल ऐसी की ऐसी जैसी आपने डाउनलोड कर ली और डाउनलोड करने के बाद बिल्कुल ऐसी की ऐसी उसमें कोई चेंज नहीं किया और वो इंस्टाग्राम पर डाल लो, तो उसके व्यूज़ आपके नहीं आएंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम को जो एल्गोरिथम होता है वो समझ जाता है कि वो रील जो है वो आप या फिर शॉर्ट वीडियो है वो अपने यूट्यूब से या फिर किसी शॉर्ट वीडियो ऐप से डाउनलोड कर रखी है। तो यहाँ पे हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं दोस्तों, वो चीज़ आप ध्यान से देखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो यहाँ पे ना अब ये जो रील है इसको मैं थोड़ा बहुत छोटा कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो मैं इसको थोड़ा सा शुरू से छोटा कर देता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में से इसको छोटा कर देता हूँ, जिससे कि मेरी इस रील में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। मतलब कि ये ऐसी नहीं रहेगी जैसे कि मेरी डाउनलोड करते वक्त ही। और इसमें जो ऑडियो लगी हुई है ना जो मैंने यूट्यूब से डाउनलोड की, तो यूट्यूब ने जिस बंदे ने डाला क्योंकि वो उसने ऑडियो लगाई होगी, तो यार उस ऑडियो को मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, तो इससे मेरा काफ़ी सारा चेंजेस यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं ऐड पे क्लिक कर दूंगा, फिर ऐड के बाद मैं यहाँ पे प्रूव पर क्लिक कर दूंगा दोस्तों। और अब मैं उस वाले अपने ऑप्शन में पहुंच जाता हूं जहां पे ना नॉर्मली आप स्टिकर वगैरह लगा सकते हो, अपना म्यूजिक वगैरह चेंज कर सकते हो। तो म्यूजिक कैसे चेंज करना है, आप ना ऊपर के साइड में स्टिकर के साइड में ये म्यूजिक वाला जो ऑप्शन है इसको आप देख रहे होंगे, इस पर क्लिक कर देना है। सबसे पहले ना आपको अपना कैमरा ऑडियो जो बिल्कुल है उसको जीरो कर देना है। कैमरा ऑडियो आपका होता है कि जो रील का ऑडियो होता है ना, रील का खुद का ऑडियो होता है जहाँ से वो यूट्यूब से मैंने करी है डाउनलोड, तो इस रील में जो ऑडियो लगा हुआ था तो उसको मैंने बिल्कुल डाउन कर दिया यानी कि बिल्कुल कम कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे म्यूजिक पे क्लिक करके अपना खुद का म्यूजिक इंस्टाग्राम से ऐड कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है रील के ऑर्गेनिक व्यूज़ को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों नॉर्मली आप कोई भी म्यूजिक ऐड कर सकते हो जो भी आपको पसंद आ रहा है। तो यहाँ पे ना नॉर्मली मैं यहाँ पे कोई भी जैसे मान लीजिए रॉक स्टार का जो म्यूजिक है मैं उसको ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि रॉक स्टार का गाना मेरे को अच्छा लगता है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं रील में ये गाना आपको नहीं सुना सकता दोस्तों, और ना ही जो रील का खुद का गाना था जो यूट्यूब से डाउनलोड होकर के आया था तो वो भी नहीं सुना सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि यूट्यूब जो है वो आपको कॉपीराइट दे देता है। ओके यहाँ पे मैं डन पे क्लिक कर दूंगा दोस्तों, और मेरा जो गाना है वो लग चुका है और मेरी जो रील है वो काफ़ी सारी चेंजेस हो चुकी है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में अब मेरा हैशटैग वगैरह आता है और मेरा कैप्शन वगैरह आता है, तो वो चीज़ अब आपको ध्यान से देख लेनी है। अब मैं नॉर्मल यहाँ पे ना कैप्शन लिख रहा हूँ, तो कैप्शन आपको वो लिखना है जिससे रिलेटेड आपकी रील है। ओके आपकी जो रील है वो जिस चीज़ से भी रिलेटेड है तो वो टॉपिक यहाँ पे आपको लिख लेना है, या फिर जो भी आप रील में दिखाना चाह रहे हो तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ निंजा H2R टॉप स्पीड। ओके फिर इसके बाद में आपको 2-3 इमोजी यहां पे लगा देना है, इजीली कुछ भी लगा सकते हो, वैसे मर्जी है इमोजी वगैरह लगाने की, जरूरी नहीं है कोई इमोजी लगाना। ओके फिर यहाँ पे आते हैं आपके हैशटैग की बारी, तो दोस्तों यहाँ पे हैशटैग में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो कि मैं कौन कौन से हैशटैग यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो फिर आपको मैं समझा दूंगा कि हैशटैग मैंने कैसे लगाए हैं। ओके अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो मेरे जो हैशटैग है वो पूरे हो चुके हैं, और यहाँ पे ना अब मैं आपको समझा देता हूँ कि हैशटैग आपको कैसे लगाने हैं। देखो सबसे पहले ना आपको रील्स इंस्टाग्राम और न्यू रील्स और एक्सप्लोर पेज, ये तो आपको अपनी हर रील में लगाना है, और फिर इसके बाद में ना आपको अपनी टॉपिक से रिलेटेड हैशटैग लगा लेने हैं। 3 से 4 हैशटैग आपको इजी लगा लेने हैं। यहाँ पे मैंने 3 हैशटैग लगाए, आप देख सकते हो निंजा, फिर इसके बाद में H2R कावासाकी। जरूरी नहीं है कि आप निंजा H2R कावासाकी हैशटैग यूज़ करोगे, आप इससे अदर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको बोला है कि जो भी आपका टॉपिक है ना उसे रिलेटेड आप 2 से
तीन या फिर चार हैशटैग इजीली यूज कर सकते हो। बट इससे पहले जो हैशटैग है ना, ये वाले रील्स और रील्स इंस्टाग्राम और न्यूज और एक्सप्लोर पेज, ये आपको जो लगा देने हैं। फिर इसके बाद में आपको ऑल ओवर हैशटैग लगाने हैं। ऑल ओवर से मतलब कि वो ना इंस्टाग्राम पे हमेशा ट्रेंड करते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लगा हुआ है फीचर्ड सजेशंस इंस्टागुड और इंस्टाग्राम, तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। तो ऐसे मैंने हैशटैग में चेंज किया है, पहले मैं आपको दूसरे हैशटैग बताता था, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे को यहाँ पे देख करके आ सकते हो और फिर यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको हैशटैग में थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा। और इन हैशटैग को चेंज करने के बाद ना मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट दोस्तों प्राप्त हुआ है। आपने देखा भी मेरे जो रील के व्यूज़ है वो इजिली 1000 से ऊपर जा रहे हैं। तो और यहाँ पे ना आपको जो ऑल्सो सेव फीड का बटन है वो अपना आपको ऑन रखना है। ओके, देखो मैं आपको ऑफ करने के लिए कहता था बट आपको यहाँ पे ऑन रख लेना है, क्योंकि अगर आप ऑल्सो सेव फीड का बटन ऑन रखोगे तो आपने जो हैशटैग लाया ना एक्सप्लोर पेज, तो एक्सप्लोर पेज में आपकी जो रील है वो तभी जाएगी जब आप अपना ऑल्सो सेव फीड का बटन ऑन रखोगे। अगर ऑफ कर दोगे तो वो एक्सप्लोर पेज पे आपकी रील नहीं दिखाई देगी। ओके, अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ना आपको टैग पीपल करना है, और टैग पीपल में आपको बता दूं कि आपको ओनली ब्लूटिक वाले बंदे ही टैग करना है। यहाँ पे जो मैं बंदे आपको बता दूं ना टैग करने के लिए पोस्ट में, तो वो आपको रील में टैग नहीं करना है, वो केवल आपको अपनी पोस्ट में टैग करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, कभी आप रील में भी वही बंदे टैग करो। तो नॉर्मली ना यहाँ पे आपको जो टैग पीपल करना है वो केवल ब्लूटिक वाले बंदे करने हैं। आप देख सकते हो कोई भी यार ब्लूटिक वाले बंदा आप कर सकते हो। ओके, तो मैं अभी ना यहाँ पे दो बंदों को, यहाँ पे दो ब्लूटिक वाले बंदे जो है उनको यहाँ पे इजीली टैग कर देता हूँ, फिर राइट पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे ना जो ऐड लोकेशन वाला जो ऑप्शन है, तो ऐड लोकेशन में आपको कुछ भी डालना दोस्तों। पहले मैं आपको कहा करता था कि ऐड लोकेशन में आपको अपना जो एरिया वगैरह है वो डाल देना है जहाँ से आप रील अपलोड कर रहे हो, तो अभी आपको ऐड लोकेशन में आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, इसको आपको खाली रहने देना है। बस आपको कैप्शन और हैशटैग और आपको टैग पीपल यहाँ पे करके इसको शेयर कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों मेरी जो रील है वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। और अपलोड होने के बाद ना दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपने आप ही देख लेना है, मतलब कि जैसे वो अपलोड हो गई, देखो यहाँ पे अपलोड होकर के आ गई ना, तो इसको थोड़ा सा आपको खुद ही यहाँ पे देख लेना है। मतलब कि जैसे 10 सेकंड की रील है तो 8 सेकंड को आपको यहाँ पे देख करके, और इसको जैसे अब यहाँ पे 8 सेकंड होगी तो देख करके इसको ना यहाँ पे आपको ये अपना बीच वाला बटन प्रेस कर देना है और बैक आ जाना है। फिर आपको जो अपना अकाउंट है वो 1 घंटे तक ओपन नहीं करना है। ओके, और फिर आप कमाल देखना, 1 घंटे बाद ही आपके काफ़ी सारे व्यूज़ काफ़ी सारे लाइक आने लग जाएंगे। जो न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट है वो ओपन यहाँ पे कर लेता हूँ दोस्तों, और मैं अब आपको यहाँ पे व्यूज़ और लाइक दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको टाइम दिखा दूँ दोस्तों कि कितने टाइम बाद मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो नीचे की साइड में आप देख सकते हो दोस्तों 59 मिनट एगो यहाँ पे लिखा हुआ है, 59 मिनट एगो मैंने ये जो रील है ये अपलोड की है। और ऊपर की साइड में आप लाइक भी देख सकते हो दोस्तों, 105 यहाँ पे लाइक है। ये कोई फेक लाइक नहीं है दोस्तों, आप इसको देख लो, मैं ओपन करके दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको। ये देखो यहाँ पे ना आप देख सकते हो दोस्तों, सारे के सारे जो लाइक है वो बिल्कुल ओरिजिनल है और एकदम ऑर्गेनिक है। और अब मैंने आपको इसके व्यूज़ दिखा रहे थे दोस्तों, यहाँ पे इसके कितने व्यूज़ आए एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो व्यूज़ में आप देख सकते हो दोस्तों 1232 मेरे यहाँ पे व्यूज़ आ चुके हैं, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है। यहाँ पे दोस्तों मैंने कोई भी ट्रिक यूज़ नहीं की दोस्तों, पूरे 1 घंटे बाद मैंने आपको इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करके दिखाया जहाँ पे मेरे बिल्कुल ऑर्गेनिक लाइक और ऑर्गेनिक व्यूज़ आए। जो जो मैंने काम किया दोस्तों, जो जो मैंने रील के साथ वर्क किया वो सब मैंने आपको स्क्रीन वीडियो में करके दिखा दिया। तो इसी तरीके से ना आप भी सारा का सारा वर्क करके, और जैसे मैंने आपको बताया रील अपलोड करना, तो इसी तरीके से आप भी अपलोड कर सकते हो और अपनी रील पर ना बिल्कुल ऑर्गेनिक व्यूज और ऑर्गेनिक लाइक पा सकते हो। ओके।